सिमटी अलहड़ सी। लो देखो वो आ गई, दिलों पे सबके छा गई। आदा नाजरीन, आपने देखा कि नजहत और शाहिद की शादी के बाद सैयद साहब आबिद आलमारा और हुस्न आरा से अफशां और फर्रुख की शादी के बारे में बात करते हैं। अफशां की मर्जी जानने की जिम्मेदारी गुलशन को दी जाती है। जब गुलशन अफशां से सवाल करती है तो अफशां घबरा कर रोने लगती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद सैयद साहब मंगनी की रस्म अदा करवाते हैं। हालांकि मोहसिन इसकी मुखालफत करता है, मगर सैयद साहब उसकी बात नहीं मानते। मोहसिन जब आलमारा से पहनाई गई अंगूठी मांगता है तो आलमारा इनकार कर देती है। थोड़े दिन बाद आलमारा का इंतकाल हो जाता है। मोहसिन अफशां को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर इस मकसद में कामयाब नहीं होते। आलमारा की मौत का सबसे ज्यादा सदमा अफशां को होता है। सैयद साहब उसका गम हल्का करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इससे आगे। बस उनका नाम मेरे सामने मत लीजिए फूफी जान। अरे उन जैसा बेरहम बेदिल इंसान मैंने नहीं देखा। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो और किसके सामने कह रहे हो? अरे अपने बाप के लिए कह रहा हूँ और अपने बाप की बहन के सामने कह रहा हूँ। तुम्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं है। सच्चाई सामने आते ही सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। सच्चाई क्या है बताइए। जिस बाप को तुम बेदिल और बेरहम कह रहे हो, उस बाप की मजबूरी को जानते भी हो तुम? इन सब बहानेबाजियों से, पैतरेबाजियों से मेरे जहन में जो उनकी तस्वीर है ना, वो बदल नहीं जाएगी। दूसरों के कहने पर चलने वाले अपनों को भी गैर समझने लगते हैं। फरुख, मेरा भाई बेगुनाह है, वो तो किसी और के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। किसी और के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं? हाँ, वो तुम्हारे मोहसिन मामू के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? जो सच है वही कह रही हूँ। नहीं, ये हो नहीं सकता। अरे ये नामुमकिन है। क्यों? अफशां के बाप है इसलिए? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं मोहसिन मामू से सख्त नफरत करता हूँ क्योंकि वो मुझसे सख्त नफरत करते हैं। फिर जो सच है उसे मान के नहीं लेते। खैर, तुम्हारे मानने और न मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? बताइए क्या सच है। मैं मान लूंगा अगर आप सच कहेंगी तो। दरियाफ्त कर लेना किसी काबिल एतबार से। तुम्हारे अब्बू मोहसिन के गुनाहों की सजा भुगत रहे। शायद तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे मामू जान को अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत का जुनून था। जी हाँ, मुझे मालूम है। वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अखबारों में और रिसालों में आग उगलते रहते थे, पर वो अपने नाम से नहीं लिखते थे। फिर किसके नाम से लिखते थे? तुम्हारे अब्बू के नाम से। क्यों? ताकि खुद ना फंसे। और ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा लिखकर तुम्हारे मामू जान ने अखबार में छपवा दिया जिससे अंग्रेजी हुकूमत भड़क उठी। सजा का हुक्म हुआ और गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और तुम्हारे अब्बू को भागना पड़ा। और मोहसिन मामू? उनके नाम भी गिरफ्तारी का वारंट था, वो भी साथ साथ भागे थे। पर बाद में तुम्हारे नानू अब्बा ने भाग दौड़ करके अपने बेटे मोहसिन को बरी करवा लिया और रजा को जिला वतन ही छोड़ दिया। और तब से रजा अपने बेटे से दूर जिला वतन की सजा भोग रहे हैं और बेटा मजबूर बाप को हुजूरबार समझ रहा है। और अब नई साजिश तो देखो, नई चाल देखो। कैसी साजिश, कैसी चाल? बेटे को उसी की गुलामी में दिया जा रहा है जिसने उसके बाप को जिला वतन करवाया। गुलामी में दिया जा रहा है? क्यों?
अफशा से तुम्हारी शादी नहीं हो रही? अफशा से शादी के बाद मोहसिन तुम्हारे ससुर नहीं होंगे? शादी के बाद तुम अपने ससुर की मुखालफत करोगे या उसके हुक्म पर चलोगे? भाई तुम लोग आईने के सामने ही खड़े रहोगे या बाजार भी चलोगे? क्या बात है यार, आज मूड क्यों उखड़ा उखड़ा है? इनके मूड का क्या है, पल में तोला पल में माशा। बेपेंदी का लोटा जो हूं ना मैं। क्या बात है यार, आज बहुत परेशान लग दिख रहा है। ख्वाह मखा के रंग जमा रहे हैं, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं जनाब। कैसा रंग, कैसे गुनाह? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम अफशा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। मैं अफशा का गुलाम नहीं हूँ जो उसकी ख्वाहिशों के आगे पीछे फिरता रहूं। भाई ये तब्दीली तो हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये एक दिन में क्या माजरा हो गया? जिसके दीदार के लिए जनाब क्या कुछ नहीं करते थे, आज एकदम से अब आ कहां से रहे हैं? मैं फूफी अम्मा के यहां से आ रहा हूं। ओह, तो जनाब वहां से आ रहे हैं जहां एक ही काम होता है, आग लगाने का। मुझे आंखें मत दिखाओ, मैं कोई अफशा नहीं हूं जिस पर तुम कौड़े बरसाते रहो और वो चुपचाप सहती रहे। भाई नो आर्ग्यूमेंट्स, भाई आपस में तकरार अच्छा नहीं। सच्ची बात कड़वी लगती है, मैं कहे बिना नहीं रह सकती। उन्होंने ही इनके मन में जहर भरा है। मुझे आंख मत दिखाओ, मैं कोई अफशा नहीं हूं जिस पर तुम कोड़े पे कोड़े बरसाते रहो और आह किए बिना चुपचाप सहती रहे। फरूक, तुम्हें मालूम है अफशा किस कदर तुम्हें चाहती है। बचपन में तुम्हें स्कूल से आते जरा देर होती थी और वो किस तरह परेशान हो जाती थी। जब तुम देहरादून से बीमार होकर घर वापस आए थे, याद है उसकी क्या हालत हुई थी? आज बड़े शान से कह रहे हैं क्या मैं अफशा का गुलाम हूँ। मैं पूछती हूँ क्या अफशा तुम्हारी गुलाम है? जाने दो गुलशन, बात मत बढ़ाओ। अब तुम बताओ आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? अभी कुछ तय नहीं किया। भाई मेरी मानो तो कॉम्पिटिशन में बैठ जाओ, मोहसिन मामू की भी यही ख्वाहिश है। किसकी ख्वाहिश पूरी करने को कह रहे हो तुम, बागी दगाबाज की? फरूक, तुम बहुत बदजबान और गुस्ताख हो गए हो। तुम्हें मामू जान के खिलाफ ये सब नहीं कहना चाहिए था। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने अपनी बहन की राह में कांटे बोए हो? क्या ये सब बातें तुमसे फूफी जान ने कही हैं? सवाल क्यों कर रही हो? नानी जान के मरने के बाद उनकी जगह फूफी जान ने ही तो ले ली है। क्यों फरूक, आजकल फूफी जान काफी मेहरबान है तुम पर। दादी अम्मा के जाने के बाद इनकी खूब बनाई है, देखते हैं क्या गुल खिलता है। मैं तो चलती हूँ, गुस्से में ऐसी वैसी बात निकल गई तो बस बात ही बिगड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बरखुदार, बैठो जी। अरे भाई तुम्हारी छुट्टियां बाकी हैं या? जी अभी बाकी हैं। देखो बेटा, वैसे तो अल्लाह के करम से खुद इतने समझदार और होशियार हो कि तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं नानू जान, हम कितने भी काबिल और समझदार क्यों ना हो जाएं, आपके सामने तो बच्चे ही रहेंगे। इस नाते हमें हमेशा आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ती रहेगी। तुम्हारी बातों से दिल खुश हुआ बेटे। जिंदगी के सफर का रास्ता बहुत फिसलन भरा है और खास तौर से पुलिस के फर्ज का रास्ता। अल्लाह के करम से तुम पुलिस के एक बड़े अफसर बन गए हो। पुलिस महकमे की भी अपनी एक बड़ी शान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नानू जान, शान तो है, लेकिन बेटा ये शान तभी है जब इस शान की हिफाजत ईमानदारी से की जाए। बेशक नानू जान, फर्ज और ईमान दोनों एक साथ ना हो तो फर्ज एक गुनाह बन जाता है, एक दाग बन जाता है।
बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। हाँ शाहिद जी, आजकल फरूख कुछ बुझा बुझा सा रहता है। जी उसकी वजह है उसकी भूभी अम्मी। नसीरा, उसने क्या किया? उन्होंने ही तो जहर भरा है फरूख के दिमाग में, अली रजा खालू के बारे में और मोहसिन मामू के खिलाफ। अब फरूख नानी अम्मा की कब्र के पास बैठकर सोचता रहता है। तो ये बात है, मैं खुद सोच रहा था कि फारूक को सारी बातें सच सच बता दूं ताकि कोई गलत फहमी ना रह जाए। हाँ नानू जान, वो गलत फहमी का शिकार ही हुआ है। बात ये है बेटे, गलती दोनों से हुई थी। अली रजा के अल्फाज काबले एतराज थे, बहुत सख्त अंदाज था उनका। ऐसी बयानबाजी कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने पूरी कोशिश की कि दोनों को सजा ना हो, लेकिन मेरी कोशिश के पहले ही दोनों भाग गए। फारूक को समझा देना कि किसी की बातों में ना आए, वरना मुझे अफसोस होगा। मैंने समझाया नानू जान। मुझे समझ में नहीं आता कि दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई जो एक दूसरे की सूरत देखना गवारा नहीं करते, जबकि पहले दोनों हम निवाला थे। ये कशीदगी क्यों पैदा हुई इन दोनों के बीच कुछ पता नहीं। कई बार मैंने चाहा कि इस खाई को पाट दूं, लेकिन अली रजा ने मुझे अपना सही पता दिया ही नहीं, और मेरे दिल में एक गम हमेशा के लिए रख दिया, और मेरे हिस्से कर दी हुस्ना और फारूक की फिक्र। अच्छा फूफी जान, एक बात बताइए, क्या अफशा को अंगूठी जोर जबरदस्ती से पहनाई गई थी या उसकी मर्जी थी? मुझे तो यही लगता है कि जोर जबरदस्ती पहनाई गई थी। लोगों ने गुलशन के जरिए अफशा पर दबाव डलवा कर राजी किया है, अफशा की अपनी मर्जी नहीं थी। ये आप किस बिना पे कह रही हैं? अगर ऐसी बात नहीं होती तो मोहसिन अफशा की शादी आईसीएच से तय कर दे। अफशा ने किसी न किसी जरिए अपने बाप से अपनी मर्जी जाहिर कर दी है, आखिर है तो उन्हीं की बेटी। खून अपने खून की तरफ ही जाता है, अपना रंग पहचानता है, फिर चाहे कोई लाभ क्यों ना करे। क्या फूफी की बात का यकीन किया जा सकता है? कर ऐसी बात नहीं होती, अफशा राजी होती तो अंगूठी तुम्हारी नफरत में उतार फेंकती वो। ये आपने कैसे जाना? मुझे हमीदा ने बताया। अरे गुलशन ने लाख समझाया, पर अफशा नहीं पहनी तो नहीं पहनी। और सबसे अहम बात ये है जो तुम्हारी शादी के बाद आएगी। कैसी अहम बात? तुम्हारी औलाद तोगली कही जाएगी और हमारे खानदान पर बदनुमा दाव लग जाएगा। अल्लाह, ये क्या माजरा है? इश्क तो बदनाम और बेअतबार हुआ जा रहा है। अफशा की वफा पर शक तो मेरे दिल के किसी कोने में नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ जा रहा है? अगर फूफी जान की बातों पर यकीन किया जाए तो यही मतलब निकलता है कि इतने दिनों तक, बचपन से लेकर अब तक, अफशा बस मेरे जज्बातों से खेल रही थी, बस जाहिर तौर पर दिखा रही थी कि नाना नानी जान की मर्जी और खुशी उसके लिए सब कुछ है, पर दिल बाप के साथ ही था। उस बाप के साथ जो मुझसे, मेरे अब्बा से सख्त नफरत करते हैं, जिसके नाते आज भी मेरे अब्बा अपने बीवी बच्चे से जुदा जिला वतन की जिंदगी जी रहे हैं। या फिर फूफी जान की चाल है हमीदा के लिए? मेरे लिए पहनाई गई अंगूठी अफशा ने उतार क्यों फेंकी? डरने और चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब चाहिए। सच सच बताओ, तुम वफा की आड़ में मेरे साथ बेवफाई तो नहीं कर रही?
ये तुम क्या कह रहे हो फरुख? वफा की आड़ में बेवफाई? हाँ, मेरा यही सवाल है। ये कहकर तो तुमने मेरी पाक मोहब्बत को नापाक कर दिया फरुख। तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं कोई मुजरिम या गुनहगार नहीं जो सफाई देती फिरूं। मुझे अपनी वफा पर एतबार है और मेरे लिए यही काफी है। जाओ तुम, मैं ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहती जिसे वफा का मतलब नहीं पता। मेरी पूरी बात तो सुन लो, समझो मेरी गुजारिश है तुम्हें, मेरी कसम। तुमने मेरी अंगूठी उतार कर फेंकी थी। तुम्हें यकीन आता है? सुनने में तो यही आया है कि तुमने गुस्से में, जो दूसरों के कहने पर चलते हैं उनका खुद पर से एतबार उठ जाता है, और जिनका खुद पर से एतबार उठ जाता है उनका कोई किरदार नहीं होता, और जिनका कोई किरदार नहीं होता उनका एतबार क्या करना। राज क्या है अफशा, मेहरबानी करके मुझे बता दो, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दो। तुम नहीं समझ रही हो अफशा, मैं जज्बातों के किस तूफान में फंसा हूं। अंगूठी मैंने उतार कर नहीं फेंकी थी, नुजहत आपा ने देखने के लिए मांगी थी, इसलिए मैंने उन्हें उतार कर दे दी थी। बस महबूब की अंगूठी को जो इस तरह से फेंके, मैं ऐसी बेवफा नहीं हूं। मुझे माफ कर देना। तुम बेकसूर कसूरवार बनाई जा रही हो, बार बार शक की उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। तुम्हें कटघरे में खड़ा करके सफाई मांगी जा रही है, जिस पर जिंदगी का दारोमदार था वो भी करवट बदलने लगा है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? बार बार मुझे इस कर्ब से क्यों गुजरना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम नानू जान। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नानू जान, कोई खास बात? खास बात नहीं होती है तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? फारूक, ये सब क्या सुनने में आ रहा है? क्या नानू जान? यही कि तुम अफशा को पसंद नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं नानू जान? यही कि सुनने में आ रहा है। तुम बाहर घूम घूम कर लोगों से कह रहे हो कि तुम अफशा को पसंद नहीं करते। मैं? हाँ, तुम घूम घूम कर लोगों से कह रहे हो कि मैं अफशा को पसंद नहीं करता, और जो कुछ भी कर रहा हूँ दबाव के नाते कर रहा हूँ। अरे जब तुम्हें अफशा पसंद नहीं है पसंद, तो उसे साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? बाहर डंका पीटने की क्या जरूरत है? मैं बाहर डंका पीट रहा हूँ? कहाँ? अपनी फूफी से नहीं कहा कि मैं अफशा से शादी करना नहीं चाहता? अरे क्यों अपने बूढ़े नानू के मुंह पे काली पोत रहे हो? ला हौल वला कुव्वत। ये आप क्या कह रहे हैं नानू जान? ऐसी बात आपके मुंह से निकली कैसे कि मैं अपने नानू अब्बा के मुंह पर काली पोतूंगा? अरे मैं एक क्या सैकड़ों जिंदगी अपने नानू अब्बा पर कुर्बान कर सकता हूँ। तो फिर ऐसी हिमाकत क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कल तुम्हारे फूफा मियां मुश्ताक हमारे पास आए थे ये कहने के लिए कि नानू अब्बू को ये खबर भिजवा दे कि फरूक अफशा को पसंद नहीं करता। खुदा के लिए गजब ना करिएगा, ये बात अपने तक ही रखिएगा। नानू अब्बा के कानों तक ये बात ना पहुंचे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि तुम अफशा की जगह नसीरे की बेटी
हमीदा से शादी करना चाहते हो? नानू जान, ये सब बातें मैं उन्हें बनाने के लिए करता हूँ, इसमें जरा भी हकीकत नहीं। लेकिन तुम्हारी इन्हीं सब बातों ने मामले को उलझा दिया है। उधर मोहसिन मियां अफशा की शादी किसी ICS से करवा रहे हैं। अरे, अफशा के अरमानों का किसी को ख्याल ही नहीं है? ऐसा मत कहिए नानू जान, ऐसा मत कहिए। अफशा को छोड़कर किसी और का ख्याल भी नहीं है मेरे दिल में। ईमान की कसम खा के कह रहे हो? ईमान की कसम नानू जान। ठीक है तो बेटा, इसी हफ्ते निकाह हो जाना चाहिए। तुम्हारे नानू अब्बा की भी यही तमन्ना है। अरे रोशन आ रहा, हुस्न आ रहा, अरे कहाँ हो भाई तुम लोग, कहाँ हो? क्या बात है मामू जान, आज बड़े बेताब नजर आ रहे हो। अरे बेटे बेटे, मुबारक हो, मुबारक हो बेटे, अली रजा आ रही है। हाँ सच अब्बू? हाँ बिल्कुल सच। मामू जान, आपको कैसे पता चला कि रजा अली आ रहे हैं? अभी भी उसका खत आया है, इटली से 15 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। पानी के जहाज से आ रहा है, बड़ी मुश्किल से जगह मिली उसको पानी के जहाज में। ये तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। हर्षा भाई को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, सोच लिया था कि ये जख्म लेकर ही शायद दुनिया से जाऊंगा। लेकिन उस अल्लाह का बड़ा करम जो उसने बिछड़ों को मिला दिया। काश आज अम्मी भी जिंदा होती। अल्लाह को शायद यही मंजूर था, और शायद बेटे इसी में हमारी भलाई थी। आबिद, आप फौरन तार भिजवा दें एहसन और मोहसिन के लिए। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो कुछ किया ये तुम्हारे भले के लिए किया, मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी। मैंने तो तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की बेबूदी चाही थी। मेरी यही तमन्ना थी कि यहूदी दाऊद यानी तुम्हारा ससुर जो अपनी बेटी और तुम्हारी शादी से बेहद नाराज था, वो किसी तरह से मान जाए। लेकिन तुमने 3 महीने में ही दूसरी शादी करके सारा मसला ही खत्म कर दिया। इससे मुझे दिली चोट पहुंची। इस नाते मैंने किनारा कर लिया, सबसे रूपोश हो गया, गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब इनकलाब की लहर चारों तरफ फैल चुकी है। यहाँ इटली में हालात बदल रहे हैं। काफी भाग दौड़ के बाद माल्टा नाम के जहाज में जगह मिल पाई है। बंबई पहुंचते ही तुम्हें तार दूंगा। खुदा हाफिज, तुम्हारा भाई